हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता आज एक अलग टाइप का रेसिपी लेके फिर से हाजिर हूँ और वो है प्रॉन पातूरी, जो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी भी है। पत्ता में रैप करके बनते हैं, इसलिए इसे पातूरी कहा जाता है। मैं प्रॉन को स्पेसिफिक मसाला में मैरिनेट करके कद्दू के पत्ता में रैप करके बनाऊंगी। आप चाहे तो लौकी के पत्ता भी यूज कर सकते हो, दोनों ही कम्प्लीटली एडिबल है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ही साथ दो मेथड में बनाना सिखाऊंगी, एक स्टीम करके और दूसरा सैलो फ्राई करके, और दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास ये पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप केले के पत्ते में भी ये कर सकते हैं। उसमें पत्ता एडिबल नहीं रहता है, बाकी के सारे प्रोसेस सेम ही रहता है। ये रेसिपी आप घर पे जरूर एक बार ट्राई करें। वेलकम टू अंकिताज किचन डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का रेसिपी। इसके लिए हम ले लिए हैं 250 ग्राम मीडियम साइज का प्रॉन, कुछ कद्दू के पत्ते। मसाले के लिए हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड। हमने यहाँ पर 5 हरी मिर्च ले लिए है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ये कम या ज्यादा ले सकते हो। ले लेंगे 1 टीस्पून साल्ट, 3 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड और 1 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये सारे मसाले को हम एक साथ मिक्सर में लेकर पेस्ट कर लेंगे। सरसों को मिक्सर में पेस्ट करने के टाइम अगर मिर्च और नमक डाल दिया जाए तो वो कभी कड़वा नहीं होते हैं। खसखस और मस्टर्ड को पेस्ट करने के पहले एक कटोरी में ये सारे मसाले को ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। इससे मसाला पेस्ट करना आसान हो जाता है और स्मूथ पेस्ट भी बनता है। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हम ये सारे मसाले को एक मिक्सर में लेकर अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे और इसके साथ साथ ही नमक और हरी मिर्च भी डाल देंगे। देखिए, हमारा मसाला पेस्ट बनके तैयार है। और हमको लेना है नारियल और मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल से ही सबसे अच्छा बनता है। इसका जो फ्लेवर है वो मस्टर्ड ऑयल से ही आता है। और पातूरी को रैप करने के लिए हम ले लेंगे धागा, कोई कोई इस जगह टूथपिक भी यूज करते हैं। हमने 5-6 हरी मिर्च को बीच में से चीर के अलग रख देंगे। अब हम नारियल को सेल से निकल लेंगे। इतना अमाउंट का प्रॉन के लिए 1/4 सेल नारियल ही काफी होता है। ये नारियल कटर मेरे पापा एक लोहे के दुकान से बनवा के दिए थे, जो बहुत ही काम का चीज है। हमने 1/4 सेल नारियल ले लिए हैं। अब इसे एक मिक्सर में डाल के थोड़ा सा पानी देके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, नारियल को पेस्ट करने के लिए जितना चाहिए उतना ही पानी डाल देंगे, नहीं तो पातूरी को रैप करने के टाइम दिक्कत हो सकती है। देखिए, हमने नारियल का एक स्मूथ पेस्ट बना लिए है, इसे भी हम अलग रख देंगे। अब हमें प्रॉन को प्रोसेस कर लेना है। प्रॉन का शेल ऐसे हम पूरा निकाल लेंगे। बाकी के सारे प्रॉन को भी हम ऐसे प्रोसेस कर लेंगे और धो के रख लेंगे। अब हम एक पतीले में गुनगुना गर्म पानी लेकर कद्दू के पत्ते को उस पानी में 5 मिनट के लिए डुबो के रख देंगे। 5 मिनट बाद पत्ते को हाथों से स्क्वीज करके एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लेंगे। इससे क्या होता है, पत्ता नरम हो जाता है और पतूरी बनाना भी आसान हो जाता है। ऐसे ही हम बाकी के सारे पत्ता को भी निचोड़ के रेडी कर लेंगे। अब हमें मैरिनेशन का मसाला तैयार करना है। उसके लिए एक बर्तन में एक एक करके डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट, नारियल का पेस्ट,
और 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। अब हम सारे चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए अब तैयार है हमारा मैरिनेशन का मसाला। अब हम इस मसाले में सारे प्रॉन्स को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को प्रॉन के साथ एक साथ मिक्स करके इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाला प्रॉन के अंदर अच्छे से घुस सके। आप पातुरी बना लेते हैं। हम 2 पत्ते ऐसे रख लेंगे और 3 प्रॉन्स इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे। अगर प्रॉन और भी बड़ा साइज का है तो 3 प्रॉन की जगह 1 प्रॉन रख के आप कर सकते हैं। अब अच्छा फ्लेवर के लिए हम इसमें ऊपर से 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और 1 हरी मिर्च डाल के इसे रैप कर देंगे। आप पत्ते को ऐसे फोल्ड करके धागा की मदद से इसे सिक्योर कर लेंगे। और देखिए हमारा पातुरी रैपिंग कंप्लीट है बिल्कुल। और ऐसे ही हम बाकी के सारे पातुरी को भी रैप करके तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको 2 प्रोसेस में पातुरी बनाना सिखाऊंगी। चलिए पहले तावा में पातुरी बनाना देखते हैं। इसके लिए तावा गर्म करके 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर देंगे। फिर पातुरी को तवा में रख के लीड से इसे ढक देंगे और फ्लेम को इस टाइम बिल्कुल लो रखेंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोल के इसे पलट देंगे। फिर इसे ढक देंगे और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करना है। हमने 10 मिनट ऐसे इसे धीमी आंच में पका लिए हैं। आप देखिए पातुरी हर तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को एक खोल के दिखाती हूँ। हम पहले धागा को खोल लेंगे ऐसे। आप देखिए प्रॉन बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और जूसी और टेंडर बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम दिखाएंगे दूसरी प्रोसेस यानी स्टीम पातुरी का प्रोसेस। इसके लिए हम एक पतीले में थोड़ा सा पानी लेके उबालने के लिए रख देंगे और एक स्टील का स्ट्रेनर को ऑयल से ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप स्ट्रेनर को पतीले के ऊपर प्लेस कर देंगे। आप पातुरियों को एक एक करके स्ट्रेनर के ऊपर रख के लीड से ढक देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और बीच बीच में पातुरी को ऐसे पलट देंगे। हमने 10 मिनट के लिए पातुरी को स्टीम में पका लिए है अच्छे से ताकि प्रॉन्स अच्छे से कुक हो जाए। ये बन चुका है। अब हम इसे स्टीमर से उतर लेंगे। हम आपको एक खोल के भी दिखा देते हैं। देखिए पत्ते भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और प्रॉन्स तो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। दोनों प्रोसेस में ही पातुरी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों तवा पातुरी और स्टीम पातुरी ये दोनों ही आप घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें और गर्मा गर्म चावल के साथ इसे सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे नए नए वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।